क्वेश्चन नंबर 70। सॉल्व 3p-10=5। 3p-10=5 implies that 3p = तो इसमें हम कॉन्स्टेंट वाले टर्म को राइट हैंड साइड की तरफ सेपरेट कर लेंगे, तो -10 को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा +10। 3p = 15, therefore p = 15/3, so p = 5, which is the required answer. अब हम चेक करेंगे इसके सॉल्यूशन को। LHS = 3p-10. Now putting p = 5, so 3 × 5 - 10, 15 - 10 = 5, hence verified.